हूं आपके साथ अंजलि सिंह, आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा देश के डॉक्टरों पर थी सभी की निगाहें। अनलॉक वन के बावजूद बॉर्डरों पर लग रहा जाम, दिल्ली नोएडा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर अब भी बंद, पास चेकिंग के बाद ही मिल रही एंट्री। आज से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू, एक दिन में 1,45,000 लोग करेंगे यात्रा, यात्रा के दौरान नियम का करना होगा पालन। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी बोले कि आज स्वास्थ्य कर्मी एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं और देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस दिखता नहीं है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की मेहनत आज दिख रही है। एट द रूट ऑफ इंडियाज ब्रेव फाइट Against COVID-19 is the hard work of the medical community and our corona warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers are invincible. In the battle of invisible versus invincible, our medical workers are sure to win. देश में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रही घटनाओं पर पीएम मोदी ने कहा कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इंश्योरेंस की सुविधा की गई है। Those on duty, be it doctors, nurses, safai workers, others, are subject to violence. I want to state it clearly. Violence, abuse, and rude behavior is not acceptable. Steps have been taken to protect you against any form of violence. We have also provided an insurance cover of rupees 50 lakh for those on the front line. देश को कोरोना संकट से बचाने के लिए 2 महीनों तक लगाए गए प्रतिबंध अब खोल दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में जहां लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ अनलॉक की स्थिति पर हम एक नजर डालते हैं किस तरह से ट्रैफिक जैम की स्थिति आज देखी गई। लॉकडाउन के 2 महीने से ज्यादा लंबे 4 चरणों के बाद से इसे अनलॉक करने का दौर शुरू हो गया है। सोमवार से धीरे धीरे वो सारी चीजें खोली जाएंगी जिसे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बंद कर दिया गया था। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब खोलेगा। अब एक राज्य से दूसरे राज्य आराम से जा सकेंगे। छूट के दौरान ITO पर सुबह से जाम देखने को मिला, यानी नजारा 2 महीने पहले जैसा देखने को मिला। सड़कों पर ज्यादा गाड़ियों के चलते ट्रैफिक जाम रहा। वहीं दिल्ली से सटे सीमाओं पर अभी भी आने जाने की छूट नहीं मिली है। अनलॉक वन के दौरान दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भीषण जाम देखने को मिला। सोमवार सुबह से पुलिस दिल्ली आने जाने वालों की सख्त जांच कर रही है। सिर्फ पास वालों को ही आवागमन की अनुमति है। जांच के चलते NH 8 पर जाम लगना शुरू हो गया है। दिल्ली NCR में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों को गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर सील होने की दिक्कत हो रही है, जिसके बाद लोग नौकरी करने नहीं जा पा रहे हैं। तो वहीं 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब जैसे धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगी एक तरीके से पटरी पर वापस आना शुरू हुई है, तो वहीं ट्रेनें भी आज से पटरी पर वापस आ चुकी हैं, यानी कि 200 ट्रेनें आज से चलेंगी। यात्री अपनी मनपसंद की टिकट भी आज से बुक कर सकेंगे। 1 जून यानी सोमवार से 200 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगी हैं। इन 200 ट्रेनों में पहले दिन 1,45,000 लोग से अधिक यात्री सफर करेंगे।
ये ट्रेनें 1 मई से ही चलाई जा रही हैं। मौजूदा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई 2020 से ही चलाए जा रहे एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग हैं। तो वहीं कोटा से निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस भी चली, जो सोमवार सुबह 5:55 पर कोटा स्टेशन से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई। इन ट्रेनों में यात्रियों को VIP और अन्य कोटों से भी आरक्षण प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं अहमदाबाद से मुंबई के लिए कर्णावती एक्सप्रेस ट्रेन भी पटरी पर दौड़ी। इस दौरान यात्रियों का पूरा ख्याल रखा गया। कर्णावती एक्सप्रेस में अहमदाबाद से वापी और गेट से लेकर पूरा कोच तक, सीटू कोच तक एकदम सही अरेंजमेंट रेलवे ने किया हुआ है। एंट्रेंस पे पूरा थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया हुआ है। इन 200 स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए लगभग 26 लाख यात्रियों ने 1 जून से 30 जून 2020 तक की यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने 22 मई 2020 से आरक्षण काउंटरों, कॉमन सर्विस सेंटरों और टिकटिंग एजेंटों के जरिए भी आरक्षण टिकटों की बुकिंग की अनुमति दे दी है। साथ ही इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के समय को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। इन ट्रेनों में करंट टिकट बुकिंग, तत्काल कोटा की भी सुविधा रखी गई है। इसके साथ ही इन ट्रेनों में RAC और वेटिंग टिकट भी उपलब्ध है। हालांकि वेटिंग टिकट वालों को ट्रेन में जाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ कंफर्म और RAC टिकट वाले ही यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों को मान्य होंगे ये नियम। एंट्री के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर करना होगा। यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। केवल वही सफर कर सकेंगे जिनमें कोविड रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। अपने गंतव्य पर पहुंच जाने पर सफर करने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड और उपयोग करना होगा। तो वहीं लॉकडाउन के लंबे चरण के बाद जब अनलॉक 1 सरकार लाई है, तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आम जनता की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने ये आदेश लिया है ना, जिस हिसाब से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से खुलना नहीं चाहिए लॉकडाउन। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दो दिन में आप आंकड़ा उठा के देख लो, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इससे बीमारी तो फैलेगी फैलेगी। तो ये आगे इसको धीरे धीरे उठाना चाहिए ना, अभी तक मतलब अभी तो 2 महीने भूल जाओ, बंद करके रखना चाहिए था। और लॉकडाउन खुलने का बावजूद केसेस बढ़ रहे दिल्ली के अंदर, उसका बावजूद भी पब्लिक नहीं मान रहे। पब्लिक का सुझाव, अपना आप सोशल डिस्टेंस बना के रखो, ये ओपन करना चाहिए, पब्लिक अपने आप ही सुधरना चाहिए। सुधरेंगे आगे के लिए हमारा भी ग्रोथ, गवर्नमेंट का भी इतना भी लॉस हो रहे हैं, GST के जो भी है, सब काम सबका हर तरह चलता रहे, ठीक है। बाकी तो पब्लिक को करना, जो भी करना है पब्लिक को, सरकार तो कुछ कर नहीं सकते। ये पूरा हमारे इंडिया के नहीं, पूरा वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ये काम सरकार का नहीं, ये हमारा पब्लिक का काम है। सोशल डिस्टेंस रखो, अपना आप सावधान रहो, हाथ धो। दिल्ली BJP प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे तमाम भाजपा नेताओं को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया है। दरअसल ये सभी भाजपा नेता केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण चिंता बढ़ रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली में राजनीति का पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ 9 जगह प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। केजरीवाल सरकार के बॉर्डर सील करने के खिलाफ दिल्ली BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी राजघाट पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के खड़े होने के लिए सर्कल बनाए गए थे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए मनोज तिवारी के पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें और दूसरे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। उधर कैनॉट प्लेस में भी BJP ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान दिल्ली के इंचार्ज श्याम जाजू ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल सरकार कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रही है। सभी संकेतों का पालन करते हुए कम संख्या में केवल प्रातिनिधिक रूप से आज हम यहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद इस एरिया के DM को हम इसका हमारा अर्ज देंगे और वहाँ पर हम न्याय की गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली BJP की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार कोरोना संकट को संभालने में असफल रही है और लगातार BJP भी केजरीवाल सरकार को घेरती रही है।
और इसी के साथ INS News Plus की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।